नीतू राजपूत। नीतू बोला, नीतू राजपूत। तो नीतू आपको क्या बताया था बेटे? मुझे स्टार्टिंग में ही अचानक से दर्द हुआ था सीने में। हाँ, मुझे गॉल ब्लैडर का बोला था कि वो उसमें स्टोन हो गया। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है और आपके सीने में दर्द। सीने में दर्द। एक बात मैं बता देता हूँ, देखो आपको कहीं भी दर्द हो रहा है डॉक्टर कुछ तो करेगा, जब वो टेस्ट कराएगा आपके एक्सरे आदि कराएगा या आपका कुछ भी कराएगा, तो अगर आपके शरीर में पथरी पड़ी है बेजान कहीं भी, उनमें दर्द तो है नहीं, लेकिन डॉक्टर को तो पथरी दिख गई ना, क्या दिख गई? वो आपका ये सोचेगा कि इसी के कारण दर्द है, ऐसे बह रहा है दर्द ऊपर की तरफ, क्योंकि पथरी का दर्द पीछे पैर की तरफ चलता है और पेट में होता है। होता है कि नहीं? जिनको रियल में दर्द होता है उनको ऐसा होता है। फिर डॉक्टर ये सोचता है पथरी तो कहीं है, दर्द कहीं और हो रहा है। फिर डॉक्टर जो प्रेत का दर्द है उसको पथरी का दर्द समझ के उसका ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन कर भी दिया, ऑपरेशन कर भी दिया। ऑपरेशन करने के बाद दर्द बंद नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि दर्द जो थे वे पथरी के थे ही नहीं, पथरी तो एज इट इज चिपकी पड़ी थी, है ना। जब तक पथरी नहीं हिलती तब तक दर्द नहीं होता ना, पथरी तो पहले से है। लेकिन जो एलोपैथी का डॉक्टर है उसको पता नहीं है पहले से प्रेत भी है। आया समझ में? प्रेत का एक ही इलाज है भगवान नाम का स्मरण। प्रेत का इलाज किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास नहीं है, उससे आप कदापि ठीक नहीं हो सकते। हाँ, वो एक काम कर सकता है, आपको घर सहित आगे ना बिकवा के अपने हॉस्पिटल में रख सकता है। आपकी मृत्यु की कोई गारंटी नहीं, आपके पेट को काट सकता है, आपके साइन कर लिए जाएंगे। इतनी अच्छी शिक्षा है, जीवन दान देने वाली है, पर साइन कहाँ लेते हो भाई? बोलो, सारी दुनिया में किसके पास जवाब है? जब तू भगवान है साइन कहेगा? भगवान साइन लेता है? जब हम उसकी शरण में जाते हैं तू साइन करते मर गया मेरी शरण में आया है, वो तो उबार लेता है, दुनिया मर जाती है, अर्जुन नहीं मरता है। आज तक अर्जुन अमर है, समझ में आया तुम्हें? आज तक पांचों पांडव अमर है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो भगवान के साथ है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सदा तुम गुण गाते रहोगे। एक युधिष्ठिर है, एक सहदेव है, एक नकुल है आए, और एक अर्जुन है और एक भीम है। ये पांच पांडव है, भगवान ने इनको बचा लिया है, हमेशा ऐसे ही याद करते रहो। अब पथरी कहीं पड़ी है, डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन कर दिया। पैसा कितना लगा बेटा? पापा जी को मालूम है, 150 तो ऊपर ऊपर था, 40 डॉक्टर ले गया बाकी दवाइयों का, मतलब 70-80 हजार के करीब पड़ गया। अब मैंने फूंक मारी है, फूंक बता दे कहाँ लगी है, जहाँ फूंक लगी है वहीं दर्द बैठा है। जूम है, बोलो जय शनिदेव। जूम है इसके अंदर, चक्कर आ रहे हैं, फूंक में चक्कर कहाँ आते हैं भाई? कहाँ लगी है फूंक? अब देखो डॉक्टर इसको क्या कहेगा, क्या डॉक्टर कहेगा? मनु भैया मजाक कर रहे हैं, डॉक्टर को पता नहीं तू कितना ही पढ़ लिया, मनु भैया से पार नहीं पा सकता। सारी दुनिया के डॉक्टर कितनी डिग्री लिया हो, BMS FMS फलाना फलाना, ये मनु भैया से पार नहीं पा सकते। एलोपैथी जीरो है, नगण्य है हमारी किसी भी चिकित्सा के सामने, आयुर्वेद के सामने नगण्य है, ठीक है, हमारे प्राणायाम के सामने नगण्य है, हमारी मंत्र चिकित्सा के सामने नगण्य है, ठीक है। अरे भाई ये अंग्रेजों का दिमाग था जिसने कह दिया भूत भूत कुछ नहीं होते, ये ढोंग है ढकोसला है। अरे भूत तो तुम ही खुद हो, तुम्हें ही नकार दिया उसने, तुम खुद को ही भूत मानो, तुम ही भूत हो, सब भूतों के हृदय में अर्जुन मैं रहता हूँ। प्रेतों के हृदय में नहीं कहा भगवान ने, किसके हृदय में कहा? भूतों की तरक्की है, सुन लो, एक में सुनाई देता है एक में दिखाई देता है, दोनों को पढ़ लो, एक में सुन लो, सब भूतों के हृदय में। भूत प्राणी वर्ग को कहते हैं, जो प्राणी मात्र है जीव मात्र है, ये पंचभूत का जो पुतला है यही भूत है, लिख लो। तो वो चोर है जो कहते हैं, वो डकैत है जो कहते हैं, वे हमारी निधि पे खजाने पे आंखें गड़ाए बैठे हैं और हमें कह रहे हैं कि कोई भूत प्रेत होता नहीं है, वे मूर्ख बना रहे हैं। भूत तो हम स्वयं ही है सारे के सारे, कोई कहे मुझे भूत दिखा दो उसको ये कह दो तू अपने आप को ही देख ले गधे आईने में, जो कहे मुझे भूत दिखा दो उसको कह दो रे गधे तू अपने आप को आईने में देख ले, तू ही भूत है अगर नहीं समझा हो तो। हाँ गे, अरे कोई से भी ग्रंथ को पढ़ लो उसमें भूत तुम्हें ही कहा गया है, किसी अन्य को नहीं कहा गया है। जो मानव है उसी को भूत कहा गया है, और प्रेत उसको कहते हैं जो सूक्ष्म है, जो इसके घट में बैठ गया, जिसका डॉक्टर ने 60-70 हजार रुपए ले लिया, प्रेत उसको कहते हैं। उस लड़के की हालत देखी थी, 70 हजार रुपए लगा के,
उल्टा मारने को हो गया वो, और उसको 10-20 दिन अगर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते। 3 केस तुमने अभी के अभी में देख लिया, अभी के अभी में, यानी कि पिछले 5 मिनट के अंदर तुम 3 केस देख चुके हो जो दुनिया के दुर्लभ केस थे। 15 लाख लगे, 1 लाख लगा, और इसका भी बच्ची का भी पैसा खूब लग रही है। बोलो शनिदेव महाराज की, परम पूज्य मनु भैया जी की। इससे ज्यादा भारत क्या देखना चाहता है, मैं ये कहता हूँ, इससे ज्यादा तुम क्या देखना चाहते हो। मैं तो रोज ही 50-50 केस दिखा रहा हूँ, 40-40 वीडियो डाल रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या देखना चाहता है भारत। मुझे समझ में नहीं आता, प्रेत नहीं होते, प्रेत नहीं होते। अरे तुम्हारी दुम दबाए बैठे हैं, तुम्हारी पीढ़ियां तक नष्ट कर दिया इन प्रेतों ने। मान जाओ, ठिठर जाओ, बहको मत। अरे तुम हिंदू हो, तुम भारतीय हो, तुम सनातन पत्ती को वेद व्यास जी ने कह दिया प्रेत पिशाच होते हैं, तुलसीदास जी ने कह दिया तुम कब जागोगे। अरे अंधो, इस नाम के तो इस प्रेत को निकालने में जो ईसा मसीह है वो भगवान बन बैठे हैं, जो खुद कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूँ उसी को भगवान मान लिया गया है, केवल प्रेत के निकालने के लिए। केवल प्रेत निकाले, शैतान निकाले। और तुम्हारी मूर्खता इतनी है, तुम ऐसी ऐसी पट्टी बांध के आंखों पे पड़ गए हो कि कुछ हद नहीं। बोला उसने ये जिला लिया, कोई नहीं जीता, भगवान भी आगे मरे हुए को नहीं जिलाते हैं। ठीक है, नियम के अधीन नहीं है, ये सृष्टि का उपादान नहीं है, जो आया है वो मरेगा ही मरेगा। आए समझ में, ऐसे 1-2 केस ही मिलेंगे जिलाने के, वो सामान्य नरके नहीं है, वो सामान्य आदमी के नहीं है। ठीक है, वो असामान्य के है, वो ईश्वर खुद ही जिलाता है। ठीक है, जिसकी जितनी लिखी है उतनी आती है भाई, कोई नहीं जीता। आप यही श्वास आपको मिली है, आप योगी बन जाओ, 1 श्वास को 45 सेकंड में लो, यही श्वास आपकी बढ़ जाएंगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। भूख कहाँ लगी, दर्द कहाँ होता है, फिर बात ठीक हो जाएगी। दूसरी बार आइए, 8 बार आओ। बोले शनिदेव महाराज की।